राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू के नॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स, दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे, क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे चार एमपी हैं, चार सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही फिर वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायरी करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं, वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वी विल कम मीट हर एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ नीडेड, वी विल सीक हर टाइम। If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them hollow, their hollowness in Delhi at every